हेलो बच्चा। हेलो बच्चा पार्टी। मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द नेक्स्ट अटेक। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 8 है ट्रिगोनोमेट्री, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने दो तीन वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं इससे पहले, तो वो आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो का मतलब, पिछले वाले वीडियो का मतलब है, जो बेसिक आपका है वो पूरा का पूरा क्लियर यहाँ पे मैंने कर दिया है। तो बेसिकली जो एनसीईआरटी को मतलब मैंने उस टाइम में नहीं छुआ था, तो एनसीईआरटी को अभी हम यहाँ पे टच कर रहे हैं ताकि आपको वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे फिर से मतलब पता चले और अच्छे से रिवीजन हो जाए। देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू द ट्रिगोनोमेट्री, यहाँ पे चैप्टर 8 है एनसीईआरटी का। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा, यहाँ पे देखिए जे एफ हैबर्ट इन 1890 में क्या, देयर इज अ परहैप नथिंग विच इज ऑक्यूपाइज इन द मिडिल पोजिशन ऑफ द मैथमेटिक्स एज ट्रिगोनोमेट्री। मतलब कुछ भी ऐसा चीज नहीं जो कि इन बिटवीन में आता हो, मतलब मिडिल में कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने अपने जे एफ हैबर्ट ने कहा था। अब यहाँ पे देखते हैं उन्होंने इससे रिलेट ही था कुछ ना कुछ, तो उससे रिलेट कैसे आगे पता चलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज देखिए चार मीनार है, मान लीजिए कि आप चार मीनार दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो चार मीनार के पास यहाँ पे जरूर जाएंगे घूमने के लिए। तो गए होंगे तो यहाँ पे आप इसकी हाइट मेजरमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पर आप अपनी हाइट तो मेजरमेंट कर ही सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और ये खड़ा है यानी कि 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, आप भी 90 डिग्री बना रहे हो, आपकी आपका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस तो पता चल ही सकता है, बिल्कुल पता चल सकता है। और आप कौन से एंगल से इसको देख रहे हैं ये पता चल सकता है। तो इसकी हाइट हम आराम से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, आपको आगे पता चलेगा। देखिए इसके बारे में हम ऑलरेडी पिछले वाले जो चैप्टर है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता चला तो आप प्लीज एक बार वहां पे देख सकते हैं और उस वीडियो को देख कर, और वहां पे आप इसको अच्छे से पता कर सकते हैं। और मैंने उसमें फॉर्मूला भी बताया है किस तरह से शॉर्ट मतलब फॉर्मूला प्रूव करके भी बताया, और उसको शॉर्टकट याद करने का तरीका भी मैंने बताया, ठीक है। जैसे बालकनी में यहाँ पर कोई है आपका, कोई कुछ चीज यहाँ पे रखा हुआ है टेम्पल के पास, मान लीजिए कुछ चीज रखा हुआ, वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख जो रहे हैं यहाँ से कितना दूर पे है, या फिर आप बालकनी से जो आपकी हाइट है वो कितनी है, या फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये कुछ सारी चीज मेजरमेंट कर सकते हैं। उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन होगा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली मेजरमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो तीन चार चीजें हैं, उसमें से दो तीन चीजें पता चला तो पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बंदा है जो कि एक बलून को देख रहा है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम में जब देखा तो वो यहाँ पे था, अब जब कुछ देर के बाद देखा तो वो बलून सीधे यहाँ पे चला आया, ठीक है। अब ये जिस एंगल से देखा और ये जिस एंगल से देखा, वो एंगल तो पता हो सकता है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी पता हो सकता है, ठीक है। उससे हमें पता चल जाएगा, इसकी स्पीड भी पता चल जाएगी, सिंपल सी बात है। और नेक्स्ट में पता चल जाएगा कितनी हाइट पे ये उड़ रहा है, ये कितनी हाइट पे उड़ रहा है, वो हमें आराम से पता चल सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट में देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। रेशियो होता है मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका, लेकिन आप जो नए आप यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो को, आपको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। देखो देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक होता क्या है, कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता क्या, जैसे साइन थीटा अगर लिखते हैं तो साइन थीटा हमारे पास जो अलग अलग सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए साइन है, ठीक है, साइन थीटा है, ठीक है। तो सॉरी इसको अभी हम नहीं लेते हैं, अभी हम सिंपल सा एक ट्रायंगल हम सिंपल यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। उस ट्रायंगल को हम यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे किस तरह से हमने इसको ये किया है, क्या क्या चीजें इसमें पॉसिबिलिटी जो है कि हो सकती है, ठीक है। उस चीजों को यहाँ पे हम यहाँ पे दिखाएंगे, तो वो पॉसिबिलिटी वाली चीजें यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास होगा क्या, कि जैसे कि ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, और ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये हमारा बेस है, ठीक है। अब इससे पॉसिबिलिटीज क्या क्या चीजें आ सकती है, मतलब कौन कौन से रेशियोज आ सकते हैं। देखिए पी बाय एच आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है पी बाय एच, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी इसका बी बाय एच आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है बी बाय एच। तीसरा पॉसिबिलिटी पी बाय बी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है पी बाय बी आ सकता है, ठीक है। चौथा पॉसिबिलिटी एच बाय पी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है एच बाय पी। पांचवा
पॉसिबिलिटी एच बाई बी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, एच बाई बी आ सकता है। छठा पॉसिबिलिटी बी बाई पी आ सकता है, यहाँ पे बी बाई पी यहाँ पे जरूर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी छह पॉसिबिलिटीज है इस तीन साइड्स को लेकर के, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन का रेशियो। अगर यहाँ पे हम इसको थीटा ले ले रहे हैं, ये थीटा हो जाएगा, तो सामने का साइड हमेशा याद रखिएगा एंगल, जिस एंगल की बात करें, मान लीजिए ये एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने का साइड हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। अगर यहाँ पे इस एंगल की बात करते हैं, तो यहाँ पे सामने का साइड परपेंडिकुलर ये हो जाता है और बेस ये हो जाता है। ठीक है, तो साइन थीटा ये हो जाएगा, साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास ये कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये छह पॉसिबिलिटीज है, छह पॉसिबिलिटीज आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। साइन साइन का हो जाएगा पी बाय एच, कॉस का बी बाय एच, टेन का पी बाय बी, और एच का कॉसेक का एच बाई पी, और सेक का एच बाई बी, और यहाँ पे कॉट का यहाँ पे बी बाई पी। तो इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे याद करने का तरीका है, पंडित पंडित भोला प्रसाद यहाँ पे लिखेंगे हरि 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 बोल। ठीक है, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, तो पंडित का पी बाय एच, पी पंडित और हरि का पी बाय एच, भोला और हरि का बी बाय एच, प्रसाद और बोल का हमारे पास पी बाय बी। तो ये हमारे पास साइन कॉस और टेन का हो गया, उसका उल्टा कॉसेक से कॉट का हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें याद करना आसान है, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, और इससे आप यहाँ पे आराम से सब चीजों को याद कर सकते हो। नेक्स्ट में यहाँ पे हम देखेंगे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में यहाँ पे दिया हुआ, वही सेम चीज दिया हुआ है। ठीक है, जो हाइपोटेनियस है साइड अपोजिट एंगल, ये बोल रहा है कि अपोजिट एंगल, जिस एंगल के बारे में बात कर रहा है उसके साइड में हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और यहाँ पे साइड एडजेसेंट टू एंगल, साइड एडजेसेंट किस एंगल में यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें एबीसी यहाँ पे कंसीडर कर लिया गया। इसका जो कोसेंट जो है, कोसेंट ऑफ एंगल है हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा, सेकेंट ऑफ एंगल है और कोटेंट ऑफ एंगल है। ठीक है, सबका अलग अलग होगा, तो सिंपल याद करने का यहाँ पे तरीका है। ठीक है, अब टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए, और कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन में साइन ए। देखिए यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है, अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखिए साइन थीटा की वैल्यू, तो पहले सबसे पहले टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। टेन थीटा इक्वल टू मैंने बताया था आपको पी बाय बी बताया था। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, पी सब दोनों को हम जो हाइपोटेनियस से डिवाइड करते हैं, यानी कि पी बाय एच यहाँ पे हो जाएगा और दूसरा में हो जाएगा बी बाय एच हो जाएगा। यानी कि पी बाय एच हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, और बी बाय एच होता है हमारे पास यानी कि कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरह हमारे पास कॉट थीटा इक्वल, देखिए कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन में टेन थीटा, क्योंकि उल्टा होता है, यानी कि कॉट थीटा ऐसे नॉर्मली हम बना सकते हैं, बी बाय पी हो जाएगा, बी बाय पी। ठीक है, दोनों को एच से डिवाइड करते हैं, यानी कि बी बाय एच हो जाएगा ये, और दूसरा में हो जाएगा पी बाय एच हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी बाय एच यानी कि कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। इसलिए कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन में, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन में sin थीटा। तो ये चीजें जो है आपको बहुत ही मतलब आप आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, आगे जा करके हम इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज के बारे में, आइडेंटिटीज के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, और ऐसे मैंने पढ़ा चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए आर्यभट्ट ने तो 500 साल मतलब 500 AD में इन्होंने बताया था, जो कि अर्धजया या फिर जीवा का यहाँ पे, या फिर जीवा या साइनस, ये हमारे पास इन सब के बारे में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था। इनकी जो इनका जो काल रहा 1581 से लेकर के, जो दूसरे हमारे पास इंग्लिश प्रोफेसर जो एस्ट्रोनॉमी एडमंड थे गुंटर ने, उन्होंने ही बताया था साइन का सबसे पहले यूज किया था, साइन को साइन टेंजेंट, जो कि 1581 से लेकर 1626 में ये रहे। ठीक है ना, एब्रिविएट किया था इन्होंने नोटेशन को साइन का, कोसाइन का, टेंजेंट का,
कोटिजिया का, कोसाइनस का, इन सबको बारे में इन्होंने सिंपल इंट्रोडक्शन दिया था। तो द नेम कोसाइनस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एडमंड ग्यूंटर इन 1674। द इंग्लिश मैथमेटिशियन थे सर जोनास मूरी, फर्स्ट यूज द एब्रिविएट नोटेशन कॉस, ठीक है ना, कोसाइनस को इन्होंने कॉस यूज किया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए हाइपोटेनियस, ये अगर सीधा चला जाएगा तो ये हाइपोटेनियस आएगा, ये हमारे पास क्या जाएगा बेस, और ये हमारा परपेंडिकुलर, ये सारा अलग अलग आएगा, ठीक है। नाउ वी टेक अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस में एक पॉइंट लेता है पी ए सी, हाइपोटेनियस देखिए ए क्यू भी हो जाएगा, ए सी भी हो जाएगा और ए पी हो जाएगा, और यहाँ पे ए एम ए बी और ए एन ये भी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइपोटेनियस, ये बेस हमारे पास बोल सकते हैं, और ये हमारा परपेंडिकुलर, हमारे पास पी एम सी बी और क्यू एन, ये सारा हमारा बेस हो जाएगा। तो ए एम अपॉन में ए बी हमारे पास क्या होगा, ए एम अपॉन में ए बी इक्वल टू, अब ए पी अपॉन में ए सी, क्योंकि हमारे पास, क्योंकि ये जो है दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया, तो सिमिलर प्रॉपर्टी इससे पहले मैंने पढ़ा चुका हूँ मैं आप लोग को, तो सिमिलैरिटी वाले में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल का सिमिलर है, तो यहाँ पे जो साइड जो जो क्या बोलते हैं उसको साइड का रेशियो जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, हाँ ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, यानी कि ए पी अपॉन में ए सी, और यहाँ पे ए एम अपॉन में ए बी, और पी एम अपॉन में सी बी, ये हमारे पास हो जाएगा, या एम पी अपॉन में बी सी, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबको उसी तरह रेशियो में हमारे पास ले लिया, साइन कॉस टेन को हमारे पास वैसे ही रेशियो में यहाँ पे ले लिया गया, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट वेराई विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल विद द एंगल रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पे अगर मान लो कि ये ट्राइंगल चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, ठीक है, तो यहाँ पे इससे ये पता चल रहा है मतलब इस वाले चीज से कि हमारे पास जो साइन का या कॉस का या टेन का जो हमारे पास रेशियो आएगा वो हमारे कभी भी वेरिएशन नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास एंगल सेम है, तो कभी भी वेरिएशन नहीं करेगा, वो हमेशा सेम का सेम ही रहेगा, ठीक है। तो वो चीज वेरिएट नहीं करने वाला है, चाहे आप कितना भी बड़ा ट्रायंगल ले लो, कितना भी छोटा ट्रायंगल ले लो, दैट डजंट वेरिएट, क्योंकि रेशियो आपका सेम ही आएगा। अभी मान लेते हैं यहाँ पे इसको थ्री के, इसको के ले लिया गया, ठीक है, तो बोला है कि ए बी कितना होगा। अब पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ए बी जो होगा हमारे पास प्लस माइनस 2√2 के हो जाएगा, क्योंकि ए देखिए ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर मतलब 3 के का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, 8 के का स्क्वायर, 3 के का स्क्वायर कितना होगा 9 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर मतलब 8 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर का यहाँ पे रूट में करेंगे तो 2√2, और यहाँ पे के स्क्वायर का के आ जाएगा, ठीक है, दोनों से स्क्वायर 2√2 के यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास ये चीजें हैं कि प्लस माइनस में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ प्लस वाला यूज करेंगे, क्योंकि माइनस कोई भी लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए माइनस यूज नहीं करेंगे। कॉस ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पे, तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी, ए बी हमारे पास ये है और परपेंडिकुलर ये कॉस ए, ए वाला बोला है ना, तो ए वाला जो एंगल होगा यहाँ पे होगा, इसका परपेंडिकुलर ये होगा और यहाँ पे बेस ये होगा और हाइपोटेनियस ये वाला हो जाएगा। तो बेस तो हमारे पास कितना 2√2 और हाइपोटेनियस ऑलरेडी 3 के है, के से के कैंसिल 2√2/3 हमारे पास आ गया, तो कॉस ए की जो वैल्यू हमारा ये हमारा सेम रहा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, देखिए एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, टेन ए इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ 4/3, फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए, टेन ए इक्वल टू हमारे पास 4/3 दिया हुआ, ठीक है। तो एक चीज अब याद रखना, 4/3 दिया मतलब 4 और 3 नहीं है, इसका रेशियो एक्चुअली में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये रेशियो आपको हमेशा याद रखना है। तो ये चीजें आपको देखिए इसको पहले सिलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, ए बी सी यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक
ठीक है, ए बी सी हमारे पास दिया हुआ है, ए यहाँ पे ले लेते हैं, बी पे हमारे पास 90 डिग्री और ये सी पे है, ठीक है। दिया हुआ क्या है, देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है टेन इक्वल टू 4/3, फाइंड करना है द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। तो टेन ए हमारे पास दिया हुआ है, टेन ए जो दिया हुआ है हमारा फोर बाय थ्री, तो ये हमारे पास, तो ये तो रेशियो में दिया हुआ है, तो मान लेते हैं लेट कर लेते हैं द रेशियो इज, लेट कर लेते हैं द, लेट द रेशियो के, के या एक्स कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये होता क्या है, ये हमारा ये होता परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो यहाँ पे रेशियो हमने के मान लिया, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 4k और यहाँ पे बेस हो जाएगा 3k, ठीक है। तो ये हमारे पास टेन ए के बारे में बोला, तो टेन ए यहाँ पे आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4k और ये हो जाएगा हमारा 3k हो जाएगा, ठीक है। तो जिस एंगल के बारे में बोला उस एंगल को पहले आपको देखना होगा, ठीक है, उस एंगल को आप देखिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे उसके बारे में कुछ ना कुछ डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना होगा कि किस तरह से हम चीजों को यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमें चाहिए क्या है, निकालना हमें क्या है, हमें निकालना है साइन ए, हमें निकालना है कॉस ए, हमें निकालना टेन ए तो हो गया हमारे पास, कॉसेक ए, कॉसेक ए, सेक ए, और नेक्स्ट निकालना है हमारा कॉट ए निकालना है, ठीक है। तो ये चीजें साइन ए निकालने के लिए हमें तो हाइपोटेनियस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इन तीनों में से हमें हाइपोटेनियस चाहिए ही चाहिए। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या करेंगे, एच विल बी इक्वल टू, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब 4k का स्क्वायर प्लस हमारे पास होता है 3k का स्क्वायर, यानी कि 4k का स्क्वायर यानी कि 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर यानी कि 25k स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एच विल बी इक्वल टू रूट अंडर 25k स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 5k, यानी कि एच कितना हो जाएगा, एच विल बी इक्वल टू 5k हो जाएगा, ठीक है। एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एच की वैल्यू ये जो हाइपोटेनियस है इसकी वैल्यू 5k आ गया, एच इक्वल टू यहाँ पे आ गया 5k आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे हम देखेंगे कि एच की जो वैल्यू हमारे पास 5k है, तो नेक्स्ट में साइन की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, साइन ए इक्वल टू होगा पी बाय एच, ठीक है। तो पी बाय एच, पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पी की वैल्यू हमारे पास है 4k, बी की वैल्यू 3k, तो 4k अपॉन में 5k, यहाँ पे लिख देते सबका वैल्यू, पी की वैल्यू 4k, बी की वैल्यू हमारे पास 3k और एच की वैल्यू हमारे पास 5k, तो 4k अपॉन में 5k, यानी के से के कैंसिल, यानी कि 4/5 हो गया, यानी कि साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, ठीक है। साइन ए हो गया हमारे पास, उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट में करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे कॉस ए, कॉस ए इक्वल टू बी बाय एच, तो यहाँ लिखेंगे बी बाय एच लिखेंगे, बी की वैल्यू हमारे पास 3k और एच की वैल्यू यहाँ पे 5k, यानी कि 3/5 हो गया, यानी कि कॉस ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, कॉस ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/5 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, साइन ए कॉस ए हो गया, उसके बाद टेन ए की वैल्यू, यानी कि टेन ए की वैल्यू हमारे पास होता है पी बाय बी होता है, पी की वैल्यू हमारे पास 4k 4k/3k, के से के कैंसिल, यानी कि 4/3, यानी कि टेन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4/3 ऑलरेडी ये दिया हुआ है, तो इसको मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, तो कोई बात नहीं, निकाल दिए तो अच्छी बात है, ठीक है। 4/3 यहाँ पे हो गया, टेन ए क्या हो गया, फिर कॉसे के हमारे पास, कॉसे के इक्वल टू एच बाय, यहाँ पे हो जाएगा पी, एच की वैल्यू हमारे पास 5k अपॉन में, पी की वैल्यू हमारे पास 4k है, तो 4k यहाँ पे हो जाएगा, के से के कैंसिल, यानी कि 5/4 हो गया, यानी कि कॉसेक ए इक्वल टू 5/4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास हो जाएगा कॉसेक ए के बाद से के इक्वल टू एच बाय बी होता है, एच की वैल्यू हमारे पास 5k और बी की वैल्यू हमारे पास है 3k, ठीक है। ये कैंसिल, यानी कि 5/3,
यानी कि 5/3, यानी कि sec a की वैल्यू 5/3। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, आप इसको बहुत ही आसानी तरीके से इसको निकाल सकते हैं और इसको कर भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे हम बात करेंगे sec a के बाद यहाँ पे लास्ट में एक आया हमारा cot a, cot a की वैल्यू हमारे पास हो गया b/p, b की वैल्यू हमारे पास 3k और p की वैल्यू 4k, यानी कि कैंसिल हो गया, यानी कि 3/4, यानी कि cot a की वैल्यू यानी कि 3/4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो चीजें हैं उस चीजों को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे वो सारी चीजें यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सारा। तो आपको देखिए तीन चीज तो हमारे पास जो दिया हुआ था, तीनों चीजें जैसे परपेंडिकुलर की वैल्यू और बेस की वैल्यू और हाइपोटेनस की वैल्यू, इन तीनों का अलग अलग रेशियो और पैमाना हम इसको मेजरमेंट करके और इसको आराम से चला सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल टू में यहाँ पे देखेंगे इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो बोला है कि प्रूव करना है कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, यानी कि एक्यूट एंगल का मतलब हमारे पास सिंपल सी बात है जो 90 डिग्री से छोटा हो तो हमारे पास एक्यूट एंगल आ जाएगा, और बोला है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू की वैल्यू यहाँ पे बराबर है, तो गिवन जो है वो सबसे पहले हमें लिखना होगा। ठीक है, तो साइन बी इक्वल टू साइन क्यू वो है, और दूसरा में हमारे पास एक्यूट एंगल, तो दो ट्रायंगल यहाँ पे सबसे पहले हमें बनाना होगा। ठीक है, दो ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं, एक ट्रायंगल हमारा बन गया है, इसको जो जो चीजें हैं अनवांटेड चीजें इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास एक और ट्रायंगल हमारा बन गया है, इसमें भी हमारे पास अनवांटेड चीजें जो है उसको हम कर लेते हैं खत्म। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोल रहा है कि साइन बी इक्वल टू कॉस बी, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ए बी और सी यहाँ पे लिख लेते हैं और पी क्यू और आर, तो ट्रायंगल को हम सबसे पहले शिफ्ट कर लेंगे आगे पीछे। ठीक है, तो इसको शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे इसको सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये रहा, ये कर लेते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए बी और यहाँ पे बी एंगल ये वाला है। ठीक है, ए ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और यहाँ पे पी क्यू और आर, तो पी हो गया, ये क्यू एंगल हो गया और ये एंगल हमारे पास आर हो गया। ठीक है, तो साइन बी इक्वल टू बोला साइन क्यू। ठीक है, गिवेन है हमारे पास साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दिया हुआ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है और ये सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो एक्यूट एंगल है, दूसरा चीज हमारे पास दिया हुआ है एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो साइन एंड साइन बी इक्वल टू साइन क्यू यहाँ पे हमारे पास दिया। ठीक है, साइन बी की वैल्यू हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, ए सी अपॉन में ए बी, तो वो हम लिख लेते हैं साइन बी इक्वल टू ए सी अपॉन में ए बी, तो यहाँ पे उसकी जगह पे ए सी अपॉन में ए बी, और साइन क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या होगा पी आर अपॉन में क्यू आर, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा सॉरी पी आर अपॉन में क्यू आर नहीं होगा, पी आर अपॉन में हो जाएगा पी क्यू, तो पी आर अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे पी क्यू। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे हम देखेंगे कि ये दोनों बराबर होने के दोनों को हम कर लेते हैं के मान लेते हैं। ठीक है, दोनों के रेशियो को हम क्या मान लेते हैं के, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे के, तो ए सी इक्वल टू क्या होगा के ए बी और पी आर इक्वल टू क्या होगा के पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बी सी किसके बराबर होगा, ये जो बी सी किसके बराबर होगा ये, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी यूजिंग, यहाँ सबसे पहले जो चीज यूज करें उसको लिखना होगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
देखिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करने में हमारे पास क्या होगा, बीसी सबसे पहले लिखेंगे कि क्या होगा, बीसी विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग कलर से लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, बीसी विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, और नेक्स्ट में क्यू आर विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बी सी और क्यू आर निकल गया किसके टर्म में, ए बी और ए सी के टर्म में हमारा निकल गया, तो अब दोनों का रेशियो ले लेते हैं, बी सी और क्यू आर का रेशियो ले लेते हैं, तो यहाँ पे करेंगे नाउ बी सी अपॉन में क्यू आर, ये हमारे पास हो जाएगा रूट अंडर ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर और माइनस पी आर का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबकी वैल्यूज है जो वहां पे आप पुट कर देंगे, ठीक है, ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर, तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए बी को लिख सकते हैं, देखिए ए बी को यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और ये चीजें जो है अलग अलग हम यहाँ पे कर सकते हैं ए सी बाय पी आर। अब यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे किया, देखिए ए सी बाय पी आर लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि इसको ये तो बराबर है, तो यहाँ पे इन दोनों का रेशियो को हम थोड़ा उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ पे ए सी को ऑलरेडी यहाँ पे ए सी को ए सी यहाँ पे लिख देते हैं, ए सी बाय, थोड़ा सा जगह मुझे चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ गिवन। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ही कर लेते हैं ए सी बाय ए बी इक्वल टू पी क्यू पी आर बाय पी क्यू, ए सी बाय ए बी इक्वल टू पी आर बाय पी क्यू इक्वल टू, इसको के मैंने कंसीडर कर लिया है। ठीक है, अब इसको हम इधर आगे पीछे कर सकते हैं, यानी कि ए सी बाय पी आर इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू के लेट कर लेते हैं, तो अभी यहाँ पे ये भी के बराबर हो जाएगा और ये भी के बराबर हो जाएगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा ए सी किसके बराबर हो जाएगा, के पी पी आर के बराबर हो जाएगा, के पी आर, और यहाँ पे ए बी किसके बराबर हो जाएगा, के पी क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, के पी आर और के पी क्यू के बराबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे हमारे पास अब ये जो वैल्यूजेस हैं ए बी का और ए सी का यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग पुटिंग ए सी इक्वल टू के पी आर एंड ए बी इक्वल टू के पी क्यू इन इक्वेशन, इसको वन कर लो, इन इन इक्वेशन वन। ठीक है, ऊपर पर तो बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू नाउ, यहाँ पे लिखेंगे नाउ बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए बी की वैल्यू कितनी है के पी क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे के पी क्यू का स्क्वायर और पूरा का स्क्वायर आएगा एक्चुअली में, और माइनस हो जाएगा ए सी का वैल्यू के पी आर, तो यहाँ पे हो जाएगा के पी आर इसका स्क्वायर और डिवाइडेड में हमारे पास पी क्यू का स्क्वायर और माइनस पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, यानी कि बी सी अपॉन में क्यू आर विल बी इक्वल टू रूट अंडर, पूरा का पूरा रूट में आ जाएगा, दोनों रूट में, तो दोनों रूट में आ जाएगा, के तो हमारे पास इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे के, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय पी क्यू का स्क्वायर, ये के स्क्वायर में आ जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में कट जाएगा, यानी कि रूट रूट अंडर के स्क्वायर यानी कि के हो जाएगा, यानी कि बी सी अपॉन में क्यू आर जो हो जाएगा ये भी के बराबर हो जाएगा, बी सी अपॉन में क्यू आर जो हो जाएगा ये भी के बराबर हो। अब देखिए के किसके बराबर है एक्चुअली में, के हमारे पास बराबर है ए बी अपॉन में ए सी अपॉन में ए बी पी आर अपॉन में पी क्यू इक्वल टू के बराबर है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी अपॉन में के की वैल्यू जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया ए सी अपॉन में पी आर और
ए बी अपॉन में पी क्यू, यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू ए सी, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चल सके, ठीक है। तो इक्वल टू ए सी अपॉन में, ए सी अपॉन में पी आर यहाँ पे हो जाएगा, ए सी अपॉन में पी आर, ए बी अपॉन में पी क्यू, ए सी अपॉन में पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू, ठीक है। ये हमारे पास के बराबर हो जाएगा। अब ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल में बोल रहा है, दोनों ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो है वो हमारा इक्वल है। जब दोनों ट्रायंगल का साइड का रेशियो इक्वल है यानी कि दोनों ट्रायंगल हो जाएगा हमारा सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। सो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर विल बी सिमिलर टू ईच अदर। सो ट्रायंगल, यहाँ पे लिखेंगे सो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, सो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, प्रूव्ड, ठीक है। तो ये चीज है एंगल बी और एंगल क्यू, यहाँ पे हमारे पास जो हो गया इक्वल हो गया, ठीक है। एक्यूट एंगल है हमारे पास, साइड का रेशियो भी हमारे पास इक्वल है, तो वो हमारा प्रूफ होना ही होना है, ठीक है। ये चीज है हमारे पास। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स थ्री देखिए यहाँ पे के बराबर है ये, तो सिमिलर में यहाँ पे हमारे पास प्रूफ कर दिया। देखिए एग्जांपल थ्री में हमारे पास दिया हुआ कंसीडर ए सी बी राइट एंगल एट सी एंड ए बी इक्वल टू, तो एग्जांपल थ्री हो गया। एग्जांपल जितने भी है इसको बनाइए, ठीक है। बनाने के बाद यहाँ पे हम, यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल्स वगैरह 3, 4 और यहाँ पे 5 के बारे में यहाँ पे बताएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे 8.1 स्टार्ट करेंगे। दो एग्जांपल्स हैं, आपको यहाँ पे होमवर्क दिया गया, आप एग्जांपल्स में होमवर्क बनाइए और चेक कीजिए कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो तब तक आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और अपने फ्रेंड के साथ प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।